वजीर बिलावल भुट्टो जरदारी अफगानिस्तान का दहशतगर्दी रोकने जो मुतालबो कर संदस चवण है अस ब्लाकन वाली सियासत में ना हूं अफगानिस्तान पाकिस्तान से हमला कदड़ खिलाफ कार्रवाई करें जैसे अफगानिस्तान के मदद की जरूरत है तो पाकिस्तान मदद लाय भी तैयार है जैसे कार्रवाई करने में नियत जो मसलो है तो यह अलग गाल है अफगानिस्तान का दहशतगर्दी के तनाजुर में पांच दफा लाय आलमी कानून से अमल कर वो जैसे अफगान इख्तियारियों कार्रवाई न थियों कन तो अफगानिस्तान अंदर कार्रवाई जो एक एक्शन थी सके तो पर वो पाकिस्तान जो पहरियों ऑप्शन न हों वजीर आजम शहबाज शरीफ एक भेरों बीहर वरी भारत के गालन की आछ करे छी संदस चवण है तो तकरार से पुरअमन निबरे से यकीन रखन था जंगू मसलन जो हल ना गाल बोल सागते वधी सके तो पाकिस्तान पांजे पाड़ेसरी से भी गालू करने लाय तैयार है पर शर्त यो है तो पाड़ेसरी भी संजीदा मामला गालन की मेज से वेही हल करने तैयार थे आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर पाकिस्तान के तरक्की की राह से गामजन करने लाय पुरअज़म सिप सालार चयो है तो तरक्की जरिए पाकिस्तान के अगते वठी वनण चाहूं था अल्लाह ताला मेहरबान है पाकिस्तान की तरक्की लाय सभी अगते अचन आई कामयाबी गड कन असा वट जेके वसीला हैं उहे हासिल करे आवाम की बेहतरी लाय इस्तेमाल करण चाहूं था असा के हथ में हथ मिलाए कुल्हो कुल्हे से मिलाए पाकिस्तान के तरक्की राह वठी वनणो है दहन डीह की मेहमान इतिहादी हुकूमत आवाम से पेट्रोल बम किराए छो तेल के अगर में गाटे तोड़ इजाफो पेट्रोल की फी लीटर अग में उवी रुपया नवे पैसा वाद नई कीमत 272 रुपया 95 पैसा मुकरर हाई स्पीड डीजल की अग में उवी रुपया नवे पैसा वाद का फी लीटर 273 रुपया 40 पैसन जो नाड़े वाले वजीर साग चार है अघन से फौरी तौर से अमल करो मुल्की मुफाद के सामू रखी तेल अघन में वाद कई है अस IMF प्रोग्राम में आये सभी के खबर है तो स्टेट बाय मुहिदो थियल है गुजरल हुकूमत IMF से थियल मुहिदे से अमल न कर हुकूमत के IMF से पेट्रोल लेवी से कमिटमेंट थियल है सिंध वासिन पेट्रोल जा अघ वधण वाले हुकूमती फैसले के आवाम दुश्मन करार दई छो लाड़काने हयात पताफी नवा छतोई केटी बंदर बिरा सिटी पक्का चांग समेत मुख्तलिफ शहर में एहतजाज वधायल अघ फौरी वापस वठण जो मुतालबो मुजाहरीन जो चवण है पेट्रोलियम शयन जा अघ वधण से महंगाई जो तूफान ही मौजूदा सूरत हाल में संदन लाय बिन वेलन जो गभो अगवा चई मसलो बणियल है हुकूमती फैसले से संदन अंज वेतर बीणा थी वेंदा सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराई में छह रुकनी बेच पारा सिविलेंस की फौजी अदालत में ट्रायल खिलाफ दरख्वास्त से बुधनी अदालत फुल कोर्ट के मामले से फैसलो महफूज करे वरतो चीफ जस्टिस रिमार्क्स दिन त फिलहाल उन मामले से मुशावरत कई वेंदी मुशावरत मुकम्मल थियण बाद फैसलो जारी कर वो अटॉर्नी जनरल पारा फौजी तवील हेठ 102 मानन के नाल की फहरिस्त अदालत में पेश चीफ जस्टिस सवाल किया फुल कोर्ट जोड़ने वाली दरख्वास्त डिठी है जैसे अटॉर्नी जनरल दरख्वास्त डिठी है पर पेरी गिरफ्तार मान की लिस्ट अदालत आड़ो रखण चाहें तो 9 मई से जे मचल मू ग फुटेजिस भी सामूँ आया है चीफ जस्टिस सवाल किया गिरफ्तार 102 मान फौजी ट्रायल करो अटॉर्नी जनरल सबूत की बुनियाद से मान के हिरासत में वरतो वो समूरा सबूत अदालत आड़ो पेश किया वा पीटीआई चेयरमैन के करे मुल्क तबाही के किनारे ते पोतो शहीद रानी चयो त दुनिया थर के कोयले सबब सुणाणे थी थर कोल मा चंदल बिजली मा पूरे पाकिस्तान के फायदो थी रयो आहे सीपेक चो खालिक आसिफ अली सरदारी आहे इलेक्शन का पोए पीपी नरुगो सिंध पर सजे मुल्क में हुकूमत ठाईंदी सूबाई वजीर शर्जी लेना मेमन चयो आहे त सिंध हुकूमत आवाम की सहूलत लाय नई बस सर्विस शुरू कई है बोर्ड मुतासिन के घर ठाए दे रहा हूं सिंध हुकूमत दुनिया जो सब का वो हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू कर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तरीके इंसाफ के साइफर इंक्वायरी कालतम करा दियण वाली दरख्वास्त से बुधनी
अदालत पीटीआई की दरख्वास्त से इतराज़ खत्म करने वाली इस्तदा से फैसलो महफूज कर वरतो। वकील लतीफ कोसर है असि दरख्वास्त से ब इतराज फारिया वह साइफर जो मामलो उथारे नो सके। वजीर आजम काबीना के फैसलन के आइन के आर्टिकल 248 तहत छूट हासिल होंगी। चीफ जस्टिस सवाल किया एफ आई ए की इंक्वायरी के चैलेंज कर रहा हो अस रिकॉर्ड ढी एतराज खत्म करण बाबत फैसलो कंदासी। बाजोर धमाके जो वधीक एक जख्मी फोत मार्ची वेलन जो अंग वधी 55 थी वयो। बाजोर में जे यूआईपे जे वर्कर्स कन्वेंशन में आपखाती धमाके जे नतीजे में 43 जणा थडे ते मार्ची वया 100 का वधीक जख्मी थिया हुआ। जख्मियों जो मुख्तलिफ अस्पताल में इलाज जारी करियल कौमन के सलामती काउंसिल तरफा बाजोर में दहशतगर्दी हमले की सख्त मजम्मत। दहशतगर्दन सहूलतकार के कचहरे में आने का मुतालबो। गरियल कौमन के सलामती काउंसिल जो बिन मुल्क जोर भर है तो दहशतगर्दी के रोकने लाए पाकिस्तान से सहकार किया वे। यूरोपीय यूनियन पारा भी बाजोर में आपखाती हमलों पाकिस्तान में जमहूरियत के कमजोर करने की साजिश करार। सऊदी परदेही वजारत पारा भी बाजोर में जेयूआई के वर्कर्स कन्वेंशन में धमाके की मजम्मत। सिंधु दरिया में गुड्डू और सखर ब्रांचेस वट विचोली बोर्ड वाली सूरत हाल। गुड्डू ब्रांच वट पानी के मथा वेकरो 4,69,899 क्यूसिक और हेठा वेकरो 4,43,352 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर ब्रांच वट पानी के मथा वेकरो 4,44,040 क्यूसिक हेठा वो 4,05,740 क्यूसिक रिकॉर्ड। कोटली ब्रांच वट पानी के मथा वेकरो 1,81,956 क्यूसिक हेठा वेकरो 1,44,871 क्यूसिक रिकॉर्ड कर। जोही में नई गाज के तेज वेकर मथा अड़ियल पुल की मिट्टी लुढ़ी वन सबब काछे वासी गार्ड रखे गुजरण से मजबूर। छिनी जोही रोड टिन हंधा टुटण सबब चैन यूसिस जो शहर से राबतो कटल काछे वासी बेड़न जरिए मुंतकिल थन लगा। दादू में सिंधु दरिया में चार बरकरार। पानी कच्चे के गोठन के बोड़ी बचाव बंद से टकराए वो लड़ पलाण चारी इरीगेशन अमलों भी बंदन से निगरानी पोतल। डीसी जकबाबाद मोहम्मद यूसुफ शेख के स्क्वाड के मोबाइल से हादसों एएसआई फोत बहलकार जख्मी। हादसे में एएसआई सामल पंवर थडे ते फोत थी वो बहलकार शान मोहम्मद और नासिर अली जख्मी थी पाए। रेती बरसा रुझान वाले इलाके में बिन धार धार वाकियन में 3 जणा बरसाती पानी में बुरी फोत। चौक टावर रोड बरसा नौजवान बरसाती पानी में बुरी फोत थी वयो। कच्चे वाले इलाके में बे निगरियों दरिया में बुरी फोत थी वयो। फोतन में 24 वजन जो शौकत निगरी कश्मीरा ई शाहिदा शामिल। आई गड़ी यासीन बरसा डखर नाके ते अणॼातल हथियारबंद था सखर वासी नौजवान कतल। मोटरसाइकिल सवार हथियारबंद नौजवान नूर हसन बलोच के गोलन जो बख बनाए फरार थी वया। इतला ते पुलिस लाश खणाए अस्पताल मुंतकिल करे छिड़ियो। वाके बाद शहरन में डहका। उमरकोट में चुंगची रिक्शा आई मोटरसाइकिल में टक्कर बजणा फोत ब जख्मी। थर फ्लोर मेलवट हादसे में गोट अहमद नोड़ी वासी हयात नोड़ी आई गोट हवेली वासी नीगर मुहित समय जो अजल जो शिकार थिया। लाश ए जख्मी अस्पताल मुंतकिल। जामशोरो इंडस हाईवे ते तेज रफ्तार मस्ता हादसे जो शिकार मानसीरा वासी नौजवान शीरिन फोत आई सईद मोहम्मद जख्मी। आई रोड़ी वेझो गोठ मेवो खान संगेजो में पेर तिड़कण सबब नीगर सिंधु दरिया में बुरी फोत। बारन वरियन जो खलील अहमद संगेजो दरिया में बुरी फोत थी वो। लाश घर पहुंचाने ते घर में कोहराम।